आज हम देखने वाले हैं मिक्स वेजिटेबल का उपमा। आप ये रेसिपी सुबह ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नोमस किचन में आपका स्वागत है। हर सुबह में ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाना है बहुत टेंशन रहता है। पोहे या फिर पराठे खा के अगर आप और कोई आप रेसिपी बना सकते हो। खाने के लिए हेल्दी भी है क्योंकि ढेर सारे वेजिटेबल यहाँ पे यूज़ किए हैं। लास्ट तक देखिए। चलो तो फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में डाला था, थोड़ा सा ऑयल ऑयल गर्म हुआ है। इसमें डालने वाली हूँ बारीक वाली सूजी। आप चाहे तो मोटी वाली सूजी भी यूज़ कर सकते हो। और इसे मैं भूनने वाली हूँ 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, सूजी भी हमारी अच्छी तरह से भून गई है। मैं इसे निकालने वाली हूँ। सेम ऑयल में डालने वाली हूँ राई और जीरा। राई और जीरा फ्राई होने के बाद इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, शेंगदाने। अच्छे से आपको फ्राई करना है। शेंगदाने और हरी मिर्च फ्राई कर डालने वाली हूँ बारीक कटा हुआ प्याज और प्याज का गोल्डन ब्राउन होने तक हम भूनेंगे। प्याज भी हमारा भून चुका है। अब इसमें डालने वाली हूँ शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ टमाटर। आपके हिसाब से सब्जियाँ कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैं मटर यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहे तो स्वीट कॉर्न भी यूज़ कर सकते हो। इसमें डालने वाली हूँ मटर। मटर को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। सब्जियों को अच्छी तरह से आपको पकाना है। इसके ऊपर मैं लिड रख के 4 से 5 मिनट का स्लो गैस पे पकाया था। अब इसमें डालने वाली हूँ स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट, मिक्स कर लेना है, और पानी। तो एक वो सूजी थी तो यहाँ पे मैं 2 कपूर पानी डाल रही हूँ। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। इसमें डालने वाली हूँ रोस्टेड चना दाल। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, मेरे पास थी इसलिए मैं यूज कर रही हूँ। और सूजी जिसे हमने भून के रखा था मिक्स कर लेना है, झटपट मिक्स करना है। इसके ऊपर वापस से लिड लगाने वाली हूँ और इसे हम स्लो गैस पे कुक करेंगे 1-3 से 4 मिनट के लिए। तीन से चार मिनट हो चुके हैं और सूजी का उपमा हमारा परफेक्ट सा रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो। इसे एक बार मिक्स करने वाली हूँ। इसके ऊपर से डालने वाली हूँ 1 टेबलस्पून घी और यहाँ पे हमारा सूजी का उपमा रेडी हो चुका है। तो चलो फ्रेंड्स, मिक्स वेजिटेबल का और सूजी का उपमा खाने के लिए रेडी हो चुका है। आप रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। किसी भी कारण से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नोमिस किचन।